वेलकम टू माई चैनल एम के एस मैथेमेटिक्स, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का कंस्ट्रक्शंस करके दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रीड विथ आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक साइड ड्रॉ करना है 5.1 सेंटीमीटर का। अब कंपास को इस पॉइंट पे रखना है इस तरह से। और 90 डिग्री बनाना है। सबसे पहले 60 डिग्री का कट होगा, फिर 120 का, और फिर इस तरह से दोनों पॉइंट से कट करना है। इससे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इस पे लाइन ड्रॉ कर देना है। अब कंपास पे इस स्क्वायर का जो साइड का मेजरमेंट है 5.1 सेंटीमीटर, वो कंपास पे लेना है इस तरह से, और इस तरह से कट करेंगे। फिर इस पॉइंट पे भी रखना है और इस तरह से कट करेंगे। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास नीडल को और इस तरह से कट करना है। अब स्केल से ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और इस साइड को भी ज्वाइन करेंगे। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नाम दे देना है आर ई ए डी 5.1 सेंटीमीटर। और ये सारा साइड खुद से 5.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आएगा, 5.1 सेंटीमीटर। ये सारा एंगल भी राइट एंगल खुद से बन जाता है। ओके, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। तो जो बड़ा डायगोनल्स है उसी को ड्रॉ करेंगे 6.4 सेंटीमीटर। और अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास को एंड पॉइंट पर रखकर और इसके लेंथ के हाफ लेंथ को लेकर दोनों साइड कट करना है इस तरह से। इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब ये दोनों एंड पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये सेकेंड डायगोनल भी ड्रॉ हो गया। अब देखना है कि सेकेंड डायगोनल का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है। तो यह है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 का हाफ हुआ 2.6, तो 2.6 लेना है। 2.6 और कंपास नीडल को दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखना है और इस तरह से इस डायगोनल को कट करना है। और अब सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देने, इस तरह से ज्वाइन करना है। यहां भी इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और फिर इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। और फिर इस दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करना है।
और इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। डायगनल का मेजरमेंट भी मार्क कर देना है 6.4 सेंटीमीटर और ये साइड ये डायगनल 5.2 सेंटीमीटर है 5.2 सेंटीमीटर। ओके तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। नंबर 3 अ रेक्टेंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का और इसके एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए कंपास नीडल को इस तरह से रखकर एक आर्क लगाना है लगभग सेमी सर्कल के साइज का और इस तरह से इस पे कट करते जाना है। ये 60 डिग्री हुआ, फिर ये 120 और फिर इस दोनों पॉइंट से इस तरह से कट करेंगे, फिर यहाँ पर रख के कट करना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना। ये 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ हो गया। तो सेकेंड साइड जो रेक्टेंगल का है वो 4 सेंटीमीटर है, तो स्केल पे 4 सेंटीमीटर कंपास से लेना है इस तरह से और इस पॉइंट पे कंपास नीडल को रखेंगे, फिर इस पॉइंट पे भी रखना है और यहां से कट करना है। 4 सेंटीमीटर वाले को इस पॉइंट पे रखकर कट करना है और फिर ये मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर वाला लेना है इस तरह से और इस पे रखेंगे और इसे कट करेंगे। अब लाइन ड्रॉ कर देना है पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। और इस दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करना है। और इस रेक्टेंगल का नाम लिख देना है पी क्यू आर एस। ये 90 डिग्री बनाया था तो ये सारे एंगल्स खुद से राइट एंगल हो जाएंगे। और साइड का मेजरमेंट लिख देना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पैरेललोग्राम ओके ओके इक्वल्स 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का का नाम है पॉइंट ओ के 5.5 सेंटीमीटर। के ए 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है के ए 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर इस तरह से लेना है और पॉइंट के पर रख देंगे और इसी तरह से पॉइंट ओ पर भी रखना है अब इस पॉइंट आर्क पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है इस तरह से और फिर ओके का मेजरमेंट लेना 5.5 सेंटीमीटर और इस पॉइंट पे रखकर इस तरह से इसको कट करना है। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से ज्वाइन करना है और ये पैरेललोग्राम बन गया ए बाई 5.5 सेंटीमीटर के ए
4.2 सेंटीमीटर। और अब ये पूछ रहा है कि क्या ये यूनिक है, तो इसका आंसर होगा नो, नो नॉट यूनिक। बिकॉज इसमें एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, तो ये एंगल खुद से डिटरमाइन करना है, कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।